स्टूडेंट्स, यू आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम में वेलकम। लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, तो बॉडी से जो भी हार्मफुल वेस्ट है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, और मेनली जो वेस्ट है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। ठीक है, और अगर हमने इसे बॉडी से रिमूव नहीं किया तो धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में क्या होने लग जाएगा? एक्यूमुलेट होने लगेगा, और जिसकी वजह से बॉडी को हार्म हो सकता है, और कई बार तो इतना एक्यूमुलेशन ख़राब होता है कि जान भी जा सकती है। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट होती है कि हम इस सारे हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर दें, और इस तरीके से हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ किडनीज हैं। ठीक है, फिर उन किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, जो जाकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारा यूरिन कलेक्ट होता है, और यहीं से यूरिन फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है। ये डायग्राम के थ्रू समझे, ये डायग्राम शो कर रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ये पेयर ऑफ किडनीज हैं और इन किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रिमूव हो रही है जो यूरेटर है। ठीक है, उसके बाद ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो इसमें क्या है? पेयर ऑफ किडनीज हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है और यूरिथ्रा है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं किडनी पे। किडनी जो है वो बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है जो वर्टेब्रल कॉलम के पास एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ लाई करती है। किडनी के अंदर बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट होती है, यानी जो फंक्शनल यूनिट होती है जिसे आप क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। यानी हमारी किडनी में जो भी फंक्शनल यूनिट है जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है वो क्या कहलाती है? वो नेफ्रॉन कहलाती है। यानी हमारी किडनी में थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आप नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन टेंगल्ड मैस है। टेंगल्ड मैस मतलब गुच्छा है ट्यूब्स का। ठीक है, बहुत सारी ट्यूब का एक गुच्छा सा पड़ा है जिसे आप क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और उसमें एक फिल्टरिंग पार्ट होता है जिसे आप क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्लियर, ये ग्लोमेरुलस में नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, जहाँ पर रीनल आर्टरी अटैच होती है। क्लियर, द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल। यानी जो आर्टरी ग्लोमेरुलस तक ब्लड लेके जाती है उसे एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को बाहर लेके आती है वो इफरेंट आर्टेरियोल होता है। ई से एग्जिट और ई से इफरेंट, ऐसे याद रखना आप इसे अगर कन्फ्यूजन महसूस हो तो। ग्लोमेरुलस एक कैप्सूल है, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल। तो अगर नेफ्रॉन का डायग्राम समझना है तो आप यहाँ देखें, ये एक बाउल या कैप्सूल है जिसमें आपको बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसे आप ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर को आप बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है वो एफरेंट आर्टेरियोल है, और जो यहाँ से ब्लड लेके जा रही है वो इफरेंट आर्टेरियोल है। ई से एग्जिट ऑफ ब्लड, ई से इफरेंट आर्टेरियोल। फिर आपको यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मास दिख रहा है, और ये सारे नेफ्रॉन फिर जाकर खुल जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में,
और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर ओपन हो जाती हैं यूरेटर में, यानी जो भी ब्लड आएगा यहाँ पर वो प्रेशर के थ्रू यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो फिल्टर हो जाएगा, फिर ब्लड दोबारा इफरेंट आर्टेरियल के थ्रू बॉडी में चला जाएगा और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो यूरिन की फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट से सप्लाई हो जाएगा। ओके press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.